इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें, और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने पर पूरी अमेरिका जो है अलर्ट पर चला गया है और परमाणु हमले का प्लान एक लॉन्च किया गया है, ये ऐसी न्यूज आ रही है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो पत्नी है मेलेनिया ट्रंप, वो कोरोना से संक्रमित है। उनके वो कम जो है मास्क नहीं लगाते थे, अब तो एक दो फोटो उनके मास्क लगाते भी आ गए हैं। और इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अलर्ट जारी किया है, ये बड़ा अच्छा फोटो है। और मंत्रालय ने देश के दोनों छोर पर न्यूक्लियर ड्रम्स डे प्लान के विमानों की गश्त शुरू कर दी है। यह एक प्रोग्राम तब लॉन्च किया गया जब राष्ट्रपति से सार्वजनिक रूप से संपर्क नहीं हो पाता, तब ये प्रोग्राम अमेरिका में लॉन्च किया जाता है। तो अभी राष्ट्रपति क्वारंटाइन है। यह योजना दुश्मन देशों को यह बताने के लिए शुरू किया जाता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हर हरकत का पूरा जवाब दिया जाएगा। असल में यह अपनी ताकत का प्रदर्शन होता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, ये दिखाने का एक अवसर होता है। इस योजना के तहत अमेरिकी हवाई क्षेत्र में 2 EB-6 मरकरी विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। इन विमानों में बोइंग 707 के चार इंजन वाले और अमेरिकी नौसेना की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की कमान से इसका सीधा सीधा संपर्क हो सकता है। अमेरिकी नौसेना के पास इस तरह के 16 विमान है, इनमें से हर समय अमेरिकी हवाई क्षेत्र में उड़ान वो भरते रहते हैं, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं आया है कि इस वर्ग के 2 विमान एक साथ अमेरिका के दोनों छोर पर गश्त कर रहे हों। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति पर अगर संकट है तो अमेरिका बहुत हाई अलर्ट पे है। इस दौरान अमेरिका पर अगर किसी प्रकार का कोई भी हमला होता है तो विमान परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को निर्देश जारी करते हैं। इसके बाद इन पनडुब्बियों से दुश्मन को निशाना बनाने के लिए परमाणु मिसाइल चलाई जाती है, जा सकती है। तो ये अमेरिका की ताकत का इजहार है। और इसलिए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप कोविड के शिकार हैं, तो अमेरिका ने दुनिया को एक संदेश दिया है कि अमेरिका जग रहा है, इसे सोया हुआ मत समझना। अब चूंकि आपको ये मालूम है कि आर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो आर्मेनिया पर अजरबैजान लगातार रॉकेट बरसा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस सब ने कहा है कि आप युद्ध को बंद करें, लेकिन तुर्की मानने को तैयार नहीं है और गोलीबारी इनके बीच तेज हो गई है। युद्ध विराम की संभावना ना के बराबर है, युद्ध विराम नहीं हो सकता। और आर्मेनिया में जो है बड़े पैमाने पे हताहत हो रहे हैं वहां के लोग। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि तुर्की के जो लड़ाके हैं, हरे देश और तुर्की के जो लड़ाके हैं, वो अजरबैजान की ओर से युद्ध में मोर्चा संभाले हुए हैं। तुर्की और इजराइल के हथियार की बदौलत, तुर्की के साथ साथ अब आपको लगेगा इजराइल का जो किलर हथियार है वो भी अजरबैजान की ओर है। ये तो मार्केट है, उसने खरीदा है इजराइल से। तो उसकी सेना ने आर्मेनिया पर कहर बरपा रखा है और करीब 200 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। उधर रूस, अमेरिका, फ्रांस सभी देश बिना शर्त तुरंत युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, परंतु तुर्की इसके लिए तैयार नहीं है। और
दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर का नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, पर आर्मेनिया को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इधर पुतिन ने आर्मेनिया के पीएम से बात की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलियन पशिनियन से बात की है फोन पे और कहा है कि इस क्षेत्र में युद्ध को लेकर संघर्ष विराम हो, और तुर्की के उकसावे वाले बयान जो आ रहे हैं उससे पुतिन गुस्सा हैं कि हम युद्ध शांत करना चाहते हैं और तुर्की इसको बढ़ा रहा है। यदि ये और आगे बढ़ा तो तुर्की और रूस में एक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान में बढ़ते जंग से दुनिया में हालात बिगड़ रहे हैं। रूस यदि कूद गया तो फिर आप ये समझिए कि उधर से तुर्की सीधे सीधे कूदेगा और फिर ये रूप युद्ध का अख्तियार करेगा बड़ा, और तुर्की का जो भी राष्ट्रपति है अर्दोगान, वो चाहता है कि दुनिया उसे खलीफा मान ले। इसलिए रूस जहां आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है, वहीं अजरबैजान के साथ कौन लोग हैं? अजरबैजान के साथ नहीं है, याद रखिएगा, अजरबैजान के साथ इजराइल भी है और नाटो देश भी है। यानी ये जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका और ये सब, ये पूरी दुनिया में युद्ध थोपने का इन्हीं का कारोबार रहा है। तो इजराइल अभी अजरबैजान के साथ है। आपको लगेगा कि इजराइल से दुनिया की जो का जो हरे टिड्डे दल है वो नफरत करते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक दूसरी सिचुएशन लगेगी। हमेशा दू दूना चार नहीं होता विदेश नीति में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर दी है कि आर्मेनिया और रूस में रक्षा संधि है, और अगर अजरबैजान के ये हमले बढ़े तो आर्मेनिया की ओर से रूस मोर्चा संभाल सकता है और फिर जो होगा वो बहुत भयावह होगा। तो ये एक बड़ी खबर है विदेश के लिए। इसमें देखते हैं कि आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल तो ये संकटकालीन खबर है।